ओ कईयां नूं रब इतना देवे, ओ कईयां नूं रब इतना देवे, ओ बस बस करन जबानों ते कईयां नूं रब कुछ भी ना देवे, ओ खाली जान जहानों। ओ कईयां नूं रब इतना देवे, ओ आखन किथे पाइए, ते कईयां नूं रब कुछ भी ना देवे, ओ आखन दो वेले रज खाइए। ओ कई औलाद ज्यादा पारों, ओ कई औलाद ज्यादा पारों, ते सख्त कलामा कर दे, ते कई रब कोलो रो रो मंगन। पर औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون। हमदो सना दे लाइक अल्लाह वहदहू ला शरीक दी जाते पाक दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया खत्मुर रुसुल शफीउल मुज़नबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी दे। हज़रात तुसी काफ़ी देर तो अल्लाह दे घर दे अंदर तशरीफ फरमाओ और तमाम उलमाए किराम दे खिताबात बयानात तलावत कलाम पाक और हमदो नात सब कुछ समात फरमा चुके हो। थक गए हो ना? थके नहीं? मैं जब थक गए हो तो मैं फिर दुआ करा दें। थोड़ा साउंड थक गया है, ये बेस बंद कर दे, बेस ना खोल दे। फिलहाल मेरा गला ठीक है, जो बेस खुली रही ना तो 15 मिनट तो बाद बस हो जानी है। दी बेस बिल्कुल बंद कर दे। इंशाल्लाह जिनी देर तक गला चलता रहा ना तो गुफ्तगू जारी रहेगी। जो जिस तरह के स्पीकर के हालात ने ना लगता ज़्यादा देर नहीं चलना। बहरहाल पता नहीं कितने चला रहा इस साउंड। एक जगह पर मैं तकरीर कर लगा तो साउंड बड़ा होता ना जबरदस्त, वो इस तरह बंदा बोले तो पता ही ना लगे कि बंदा बोलता पिया। मैं बिल्कुल थकिया, मैं तकरीर शुरू की थी ते 10-15 मिनट गुफ्तगू करके ना ते मेरी थकावट दस गई, गला बिल्कुल साफ हो गया। पहले गला खराब सी, मैं उन्होंने कहा यार साउंड कितने चलाना? कहिंदा जी मैं अक्सर साउंड चलाना कवालियाँ ते। आंदा मैं अक्सर ना कवालियाँ ते साउंड लाना। मैं कहा तेरे हाथ बहुत टिके ने। आंदा जी जिन्हां नाल मैं साउंड चलाना ना वो जरा को वादा घाटा हो जाए तो लक में चिमटा ही मार दे। ते इस वास्ते उन्हें क्या मेरा ना हाथ टेक गया है, हुण तू पता नहीं कितने चलाना। बहरहाल अल्लाह पाक सही कर दे। हाँ मैं दुआ गो हाँ अल्लाह पाक इन सही कर दे, अल्लाह पाक तुहाडा प्यार तुहाडी मुहब्बत कबूल फरमाए। साडे मोहतरम भाई जवेद इकबाल साहब हुणे हुणे तकरीर शुरू करन तो पहलों मैनू कहन लगे कि तुसी अकीदा तौहीद बयान करना है। सुनोगे ना अकीदा तौहीद? बाकी मेरे बरादरे मोहतरम बल्कि
कायदे यूथ फोर्स और फैसलाबाद के यूथ फोर्स के सरगर्म रहनुमा मोहतरम जनाब कासम हसान साहब हाफिज़हुल्ला इन्हां जदों मैनूं इस प्रोग्राम का इश्तिहार भेजिया तो मेरा ज़हन सी सीरत बयान करन दा। बहरहाल मेरे बरादर मोहतरम भाई जवेद इकबाल साहब ने हुक्म दिता है कि अकीदा तौहीद बयान करो, तो चलो अकीदा तौहीद बयान करते हैं। अकीदा तौहीद ते हर मोमन की असास है, अकीदा तौहीद अकायद की बुनियाद है। तवज्जो, जे तुहाडी तवज्जो होवे ते दो चार बातां मैं करां तुहानूं समझ आ जाए, एक बंदा भी मेरी गल नूं समझ लवे उहदे ते अमल कर लवे ते इनशाला कानफ्रेंस का मुल मुड़ जाए। कानफ्रेंस करन वाले, करवाण वाले, सुनन वाले, सुनाण वाले, खर्च करन वाले, इंतजाम करन वाले, मेहनत कोशिश करन वाले सारिआं वास्ते इनशाला निजात का सबब बन जाए। तवज्जो दे नाल, अकीदा तौहीद असास बुनियाद है, इंसान के हर अमल की कबूलीयत का दारो मदार अकीदे उत्ते। मेरी गल की समझ आ रही है? ओ छोटे हो बचे हो, ओ छोटे हो, तवज्जो ना, ध्यान ना, खामोश हो। अगर इंसान दे कोल अकीदा है तौहीद नहीं, या अकीदा है तौहीद है वे पर खालस नहीं, विच शिरक दी मिलावट है, फिर वो बंदा जिन्निया मर्जी नेकियां कर लवे, जिन्निया मर्जी इबादतां कर लवे, नमाजां पढ़ी जावे, रोजे रखी जावे, हज करी जावे, उमरे करे, तलावतां करे, सदके दवे, खिरातां करे, जिक्रो जिकार करे, जिन्निया मर्जी इबादतां करे, मस्जिदां बनाए, मदरसे बनाए, जो मर्जी करे, जिदे कोल अकीदा तौहीद दी दौलत नहीं ते या अकीदा तौहीद खालस नहीं, उदी कोई भी इबादत बोलो कबूल नहीं। अकीदा तौहीद असास है, बुनियाद आमाल दी कबूलियत वास्ते। अच्छा, मस्जिद बनाना ये कोई छोटी नेकी है? क्यों भाई, मस्जिद बनाना, अल्लाह का घर तमीर करना छोटी नेकी है? बहुत बड़ी नेकी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जरा दुनिया के उत्ते मस्जिद बनाए अल्लाह जन्नत विच उहदा महल बना देंदे ने, किड्डी वड्डी नेकी है। अच्छा, जिहड़ा बंदा मस्जिद बनाए उहदा जन्नत दे विच बोलो महल बन जांदा है, ते जिहड़ा बैतुल्लाह बनाए, ओ जिहड़ा बैतुल्लाह बनाए, अबू जाल ने बैतुल्लाह बनाया है, मक्के दे सरदार अबू जाल ने दीगर सरदारां ने कुरैश नाल मिल के की बनाया है, बैतुल्लाह। अबू जाल का जन्नत च महल बन जाना ना, नहीं, उन्हें बैतुल्लाह नहीं बनाया। बैतुल्लाह बनाया कि नहीं बनाया? जन्नत च महल बन जाएगा, क्यों? उहदे कोल अकीदा नहीं, उहदे कोल अकीदा नहीं। अकीदा असास है, बुनियाद है। अबू जाल ने बैतुल्लाह बनाया है पर कयामत नूं कोई फायदा मिलना? क्यों? अकीदा नहीं। अकीदा है वे ते हर अमल कबूल है, जे अकीदा नहीं ते फिर बोलो कुछ भी नहीं। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिहड़ा बंदा बैतुल्लाह दा हज कर लवे उहदे पिछले सारे गुनाह माफ इंज हो जांदा जिवें अज पैदा होया। क्यों भी इंज ही गल है, जिहड़ा हज कर लवे उहदे पिछले सारे गुनाह माफ। ते जिहड़ा अबू जाल है ना, हाजी अबू जाल नहीं, अलहाज अबू जाल है, हाजी अबू जाल नहीं बल्कि अलहाज अबू जाल। तकरीबन उन्हें 50 हज किए ने अबू जाल ने,
बैतुल्ला बनाने वाला, बैतुल्ला दे मेहमाना दी खिदमत करने वाला, हाजिया दी मेजबानी करने वाला, बैतुल्ला दे तवाफ करने वाला, बैतुल्ला दे हज करने वाला, उदे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। क्यों? अकीदा नहीं उदे को, अकीदा तौहीद नहीं, एहसास है। अगर तुसी नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़न तो पहलो अपना अकीदा वेखो, रोजा रखते हो, रोजा रखन तो पहलो अपना अकीदा वेखो, हज ते चले हो जान तो पहलो अपना अकीदा वेखो, उमरे ते चले हो पहलो अकीदा वेखो, जकात दे रहे हो पहलो अकीदा वेखो, सदका कर रहे हो पहलो अकीदा वेखो। जे नी कमजोर है तो फिर जिवें दी मर्जी इमारत बनाई जाओ कोई फायदा होना, फिर नी मजबूत करो, बुनियाद मजबूत करो। अकीदा तौहीद बुनियाद है, असास है। अगर अकीदा तौहीद है वे खालस है, मुकम्मल है, मजबूत है, फिर भावें नेकियां थोड़िया भी होन, अमल थोड़े भी होन, वो बंदा गुनाहगार भी होवे, अल्लाह अकीदे दी बरकत नाल रहमत फरमा के उन्हें जन्नत जरूर अता कर देगा। ते जे अकीदा नहीं, नेकियां दे पावे पहाड़ लगे हो, इबादतां दे पावे पहाड़ लगे हो, जड़ा अकीदा है ना एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, लाजमी मजमून है, जड़ा बच्चा लाजमी मजमून दे विचों फेल हो जाए, बाकी मजामीन विचों इख्तियारी मजामीन विचों पास हो जाए, उन्हें सनद मिलती है। अकीदा तौहीद लाजमी मजमून है, जड़ा अकीदा तौहीद चो फेल हो गया, बाकी भावे जिन्हें मर्जी नंबर ले फिरे, आखे मैं खर्च बड़ा कीता, मैं सदका बड़ा कीता, मैं खिदमत खलक बड़ी कीती है, मैं जुमरे बड़े कीते, जो मर्जी ले फिरे। असास बुनियाद अकीदा तौहीद है, अकीदा तौहीद तो बगैर जिन्हें मर्जी अमाल ने कोई फायदा होना। तो जे अकीदा तौहीद है वे खालस है, मजबूत है, अमाल होन भावे थोड़े होन, बंदा गुनाहगार भी होवे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा ऐसा होएगा जिदे कोल सवाए अकीदे तो होर शै ही कोई नहीं, अल्लाह उन्हें जन्नम छोड़ देगा, क्योंकि है ही गुनाहगार बड़ा है, जन्नम जल जाएगा, जन्नम की अग उन्हें जलाएगी, उदे गुनाहों की वजह तो जल के सड़ के जिसम सवा हो जाएगा, कोला बन जाएगा, एक कोयला रह जाएगा। फिर अल्लाह पाक उस कोयले नूं बाहर कढ़णगे, उदे उते जन्नत दा पानी बरसाणगे, जो जन्नत दा पानी पेगा फिर उगेगा, कमा यंबतुल बकर, जिस तरह सब्जी उगदी है कोयला उगेगा, लत्तां बन गईयां, बाहां बन गईयां, जिस्म बनेगा, चेहरा बनेगा, वजूद बनेगा, इंसान सलामत बन जाएगा, फिर अल्लाह उन्हें जन्नत च दाखिल कर देगा। जे अकीदा तौहीद है वे, या तो इंज होना है कि अकीदा तौहीद है वे नाल अमाल भी चंगे ने, ते फिर बराहे रास्त डायरेक्ट बगैर टूल प्लाजे तो बगैर ब्रेक तो डायरेक्ट जन्नत में। तो यार इंज होना है, अकीदा है वे अमाल कोई नहीं, फिर इनडायरेक्ट, फिर बरास्ता जहन्नम, पहले जहन्नम गुनाहों की सजा पाके फिर जन्नत, जे अकीदा ही नहीं फिर डायरेक्ट बराए रास्त जहन्नम। उंज दुआ ए करो, अल्लाह गुनाहगार ते बड़े हैं, खताकार ते बड़े हैं, पर अल्लाह तेरे नाल कदी शिरक नहीं कीता, अल्लाह तेरे तो इलावा कदी किसे नू दाता नहीं आखिया, कदी किसे नू गौस नहीं आखिया, कदी किसे नू हाजत रवा नहीं आखिया, कदी किसे नू मुश्किल कुशा नहीं आखिया, अल्लाह तेनू कल्ले नू पूजिया है। गुनाहगार बड़े हैं, अल्लाह साढ़े गुनाह ना वेख, अकीदा तौहीद दी बरकत नाल सानू बगैर ब्रेक तो, बगैर टूल प्लाजे तो, और बगैर किसी रुकावट तो अल्लाह डायरेक्ट बराहे रास्त जन्नत का दाखला अता कर दे।
अकीदे की बरकत नाल दाखला जन्नत दा मिल ही जाना, डायरेक्ट मिल जे इनडायरेक्ट मिल जे, पर दुआ करो अल्लाह डायरेक्ट ही दे दे। जे अकीदा नहीं तो फिर भावे जिन्नियां मर्जी नेकियां ने फिर गल ना मुमकिन है। तवज्जो, ये इतना अहम है अकीदा, गल की समझ आ गई है ना। हर नेकी की कबूलीयत वास्ते शर्त की है, अकीदा है तौहीद। हर अमाल की असास अकीदा तौहीद। अकीदा तौहीद की है? अकीदा तौहीद बड़ा लंबा चौड़ा मजमून है, वक्त थोड़ा है, क्योंकि मेरी तकरीर तो बाद फिर एक बड़ा अहम प्रोग्राम है तुहाडे वास्ते, खाने का प्रोग्राम है। असल प्रोग्राम तो हो वे, ते मैं हुण ज्यादा देर ना रुकावट नहीं बनना चाहता तुहाडे और उस प्रोग्राम के दरम्यान। तो गल की बात समझ आ गई है ना, तुहानूं मैं जिहड़ी गल समझाना चाह रहा भी अकीदा जे असास। बस एक दो मिसालां दे के ते मैं अपनी गल खत्म करा। तवज्जो, अकीदा तो इत लंबा चौड़ा मजमून है, एक नशिस दे अंदर ते बयान भी नहीं हो सकता। बस एक पहलू दे बारे मैं अपनियां दो चार बातां मरुजात पेश करांगा। तवज्जो, फिर कुछ लोग समझते हैं खरे अकीदा तो ही जड़ा ना ये बयान करना को फसाद पै जाता है, लड़ाई पै जाती है। कई लोग ये भी समझते हैं भी अकीदा तो ही बयान किए इख्तलाफ हो जाता है, कोई फितना खड़ा हो जाता है, लड़ाई पै जाती। नहीं, अकीदा तौहीद अहम भी है, अकीदा तौहीद सौखा भी है, अकीदा तौहीद सांझा भी है, ये मुश्तरका अकीदा है। कोई वहाबी होवे, सुन्नी होवे, देवबंदी होवे, बरेलवी होवे, अकीदा सांझा है। बस फर्क है समझाण दा, फर्क की है बस समझाण दा फर्क है। अकीदा तौहीद सांझा अकीदा है, अकीदा तौहीद मुश्तरका अकीदा है। अकीदा तौहीद बयान करो तो लड़ाई नहीं होंदी बल्कि प्यार वधदा है। अंबिया ने अकीदा तौहीद ते बयान किया, लोग कट्ठे हुए, लोग जमा हो गए, लोगों प्यार किया। अकीदा तौहीद दावत ही ऐसी है, बस थोड़ा जिहा गल करन दा फर्क पै जांदा है। कोई बच्चा सी ना तुरिया आ रहा बाजार के अंदर, तो एक बंदा कहन लगा, यार तेरे अबू का की हाल है? बेटा तेरे अबू का की हाल है, तेरे अबू ठीक ने? कहिंदा जी हाँ जी चाचू जी अलहमदुलिल्लाह मेरे अबू ठीक ने। अगे एक होर बंदा खलोता सी, आंदा ओए तेरी मां का खसम कैसा है? उन्हें ला चितर लिया, हालांकि गल तो हुई। उन्हें कहा पुत्र तेरे अबू का की हाल है, तो दूजा आंदा तेरी मां के खसम का की हाल है? गल इको ही है कि नहीं? बस करन दा फर्क है। अब यह थोड़ा जहा फर्क पै जाता है। उंझ अकीदा तौहीद सांझा भी है तो सौखा भी है। वैसे भाई कासम हसान साहब कुरान पाक के अंदर जरा सब तो आसान मसला है ना, वो मसला है तौहीद। होर कई मसायल है ना जड़े औखे ने, इबारत मुश्किल ने, तर्जमे मुश्किल ने, लफज मुश्किल ने, मिसाल मुश्किल ने। सब तो आसान जरा मसला है ना वो केड़ा मसला है? मसला है तौहीद। तवज्जो, पता कितना आसान है मसला, लो हुण सुनो। अल्लाह पाक जो चाहे जदों चाहे ते जिवें चाहे करन ते कादर है। अल्लाह तो बगैर कोई बंदा अपनी मर्जी नाल कुछ कर सकदा? अल्लाह जदों चाहे जिवें चाहे ते जो चाहे करन ते कादर है। अल्लाह तो बगैर कोई भी इंसान उच्चा होवे, नीवा होवे, आला होवे, अदना होवे, वली होवे, नबी होवे, पीर होवे, बुजुर्ग होवे, अल्लाह तो बगैर कोई भी अपनी मर्जी नाल जो चाहे कर सकदा ते अल्लाह जो चाहे उवें ही कर सकदा। किथे लिखिया है? अल्लाह पाक ने फरमाया व रब्बो का यखलुको मा यशा ओ व यख्तार। कुरान सुनने जी करता है? आ छोटियां मशीनां जरा ब्रेक ला के रखो ते समझदार सियाने बंदे जरा तवज्जो करो ते मैं इंशाअल्लाह थोड़े जे वक्त दे अंदर अल्लाह दा कुरान पढ़ा ते तुहानूं गल समझावां। अल्लाह पाक ने फरमाया व रब्बुका यखलुकु मा यशा ओ व यख्तार मा काना लहुमुल खियारा सुबहानल्लाह व तआला अम्मा युशरिकून।
अल्लाह पाक ने फरमाया तुहाडा रब जो चावे जिवें चावे ओ पैदा करन ते कादर है। अल्लाह पाक अपनियां मर्जियां दा आप मालिक है। रब मुख्तारे कोले व रब्बो का यखलो को मा यशवा व यखतार अपनियां मर्जियां दा ओ आप मालिक है। आ सुनना ते आनल कदी अल्लाह पाक ने फरमाया वो माता शाह ऊना इल्ला अशाह अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया जो तुसी चाहो ओ नहीं हुंदा बल्कि जो अल्लाह चाहे ओ हुंदा है। आ सुनना ध्यान नाल कदी अल्लाह पाक ने फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तो तिल मुल्क मन तशा व तंज़ेउल मुल्क मिम्मन तशा व तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा वे यादे कल खैर इन्ना का अला कुल्ले शैयन कदी। अल्लाह पाक ने फरमाया तोड़ा रब बादशाहियां दा मालिक है। सारी कायनात दा शहनशाह है बादशाहां दा बादशाह है। तो तिल मुल्क मन तशाह अल्लाह जिन्नू चावे बादशाही अता कर दवे व तंजे उल मुल्क मिम्मन तशाह ते जिदे कोलो रब चावे बादशाही खोलवे। इख्तियार किदे कोले किदे कोले जे अल्लाह कोले इख्तियार ना ना हुंदा ते जिन्हें एक वरा बादशाह बन जाना सी उन्हें साड़ी जान ही नहीं सी छड़नी। आए ते अल्लाह दे कोल इख्तियार है कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। अल्लाह जिन्हू चावे बादशाही दवे जिन्हू चावे बादशाही खोलवे वातो इज्जो मंतशाह वातो जिल्लो मंतशाह जिन्हू चावे इज्जत दवे जिन्हू चावे जलील करे बे यादे कल खैर। ओ क्योंकि सारी कायनात दे इख्तियार कल्ले अल्लाह कोल ने। सुनना कदी अल्लाह पाक ने फरमाया वईयम सस कल्ला हो बेजुर्रिन फदा आकाश फलाऊ इल्लाऊ वईयम सस का बेखैरन फहु बाला कुल्ले शैयन कदीर। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं जिदे नाल भलाई दा इरादा कर लवां ते भलाई नू टाल कोई नहीं सकदा ते जिथे मैं भलाई दा इरादा ना करां उथे भलाई अता कोई नहीं कर सकदा। सुनना त्यां नाल कदी अल्लाह पाक ने फरमाया मा यफता इल्लाहु लिन्नास मिर रहमतिन फदा मुमसिक व मा युमसिक फदा मुरसिला लहू मिन बादी। सुनना त्यां नाल अल्लाह पाक वो जिथे रहमत दे दर खोल दवे अल्लाह दे खुले दर बंद कोई नहीं कर सकदा ते जिथे रब रहमत दे दर बंद कर दवे खोल कोई नहीं सकदा। आ तेने को होर ऐत नाल समझा दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया यखलो को मा यशा यहा बोले मई यशा ओ इनासन व यहा बोले मई यशा ओ जुकूर ओ यो जव्वे जो हम सुकराना व इनासा व यजालो मई यशा ओ अकी ma
ਅੱਧਾ ਪਾਗ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਨਿਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਨਿਰੇ ਬੇਟੇ ਅਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਓ ਯੋ ਸਭ ਵੇ ਜੋ ਹਮ ਸੁਕਰਾ ਨਵਾ ਏ ਨਾਸਾ ਰੱਬਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਦਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦਿਆਂ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਯਾ ਜਮਾਲੋ ਮਈਆ ਸ਼ਾ ਉਹ ਅਕੀਮਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਰੱਬ ਪੁੱਤ ਦੇਵੇ ਨਾ ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮਾ ਯਬ ਤਾ ਹਿਲਾ ਵੋ ਲਿਨਾਸ ਮਿਰ ਰਹਿਮਤਿਨ ਫਲਾ ਮੁਮ ਸੇ ਫਲਾ ਮੁਮ ਸੇ ਕਲਾ ਵਮਾ ਯੁਮ ਸੇ ਫਲਾ ਮੁਰ ਸੇ ਲਾਲਾਹੂ ਮਿੰਬਾ ਦੇ ਰੱਬਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਲੀ ਬਿਨ ਉਸਮਾਨ ਅਲ ਹਜਵੇਰੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਔਲਾਦ ਰੱਬਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਜਵੇਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਲੋ ਮਈਆ ਸ਼ਾ ਉਹ ਅਕੀਮਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਹੋਣ ਵੇਖੋ ਕਾਮੋ ਕੀ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੈਯਦ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਸ਼ਾ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈ ਕਾਮੋ ਕੀ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਸ਼ਾ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇ ਔਲਾਦ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ ਜਾਲੋ ਮਈਆ ਸ਼ਾ ਉਹ ਅਕੀਮਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਮਾਮੁਲ ਅਸਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੀਰ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਲੀ ਮੀਰ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇ ਔਲਾਦ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ ਜਾਲੋ ਮਈਆ ਸ਼ਾ ਉਹ ਅਕੀਮਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਟਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਇਤਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਇਤਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਬਸ ਬਸ ਕਰਨ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਾਣ ਜਹਾਨੋਂ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਇਤਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਆਖਣ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਆਖਣ ਦੋ ਵੇਲੇ ਰੱਜ ਖਾਈਏ ਉਹ ਕਈ ਔਲਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰੋਂ ਉਹ ਕਈ ਔਲਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰੋਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਰੋ ਰੋ ਮੰਗਣ ਪਰ ਬਾਜ ਮੁਰਾਦੋਂ ਮਰਦੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਭਾਈ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਨਿਮਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਕ ਸਾਲੇ ਨਰੀਨਾ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਮਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਿਮਤ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਇਹ ਨਿਮਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਜਿਹਦੀ ਗੋਦ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਬੇ ਔਲਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਾ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਬਣਾ ਦੇ
मैं कुर्बान जावा ए महकमा अल्लाह कोले अल्लाह जो चावे जिवे चावे जिसरा चावे ते जिदों चावे करन ते कादर ए अल्लाह तो बगैर अपनी मर्जी दे नाल कोई भी कुछ कर सकदा बोलो अल्लाह जो चावे करन ते कादर है अल्लाह नु रोकन वाला कोई नहीं टोकन वाला कोई नहीं पुछन वाला कोई नहीं मशवरा देन वाला कोई नहीं अल्लाह अपनियां मर्जियां दा आप मालक है अल्लाह पाक जो चान करन ते कादर ने आ वेख अल्लाह पाक दे एक नबी अल्लाह दे नबी प्यारे नबी बरगजीदा नबी उलुल अजम रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती च सवार तूफान आ गया पानी आ गया तवज्जो मेरे वल ध्यान मेरे वल मैं बस गल खत्म करन लगा मैनू पता असल प्रोग्राम दे बाद विच तुसी मेरे वल ध्यान तां नहीं जे करदे ध्यान मेरे वल तूफान आ गया हर पासे पानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती सवार अहले ईमान सवार जानवरां दे जोड़े सवार हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वेखिया सका बेटा लखते जिगर दिल दा टुकड़ा कश्तियों बार हजरत नूह अलैहिस्सलाम वेख के आंदे ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम आवाज देंदे ने या बुनैयर कब माना वला तकुम माल काफिरीन ए मेरे बेटे आ जा मेरे नाल कश्ती वे सवार हो जा काफरां दा साथ ना दे बेटा गुंदा ए काला सआवी ए ला जबाली या से मुनी में नल मा लाला आसिम अल यौमा मिन अमरिल्लाह इल्ला अमर रहीम वहाला बैनहुम अल मौजो फकान मिन अल मुरकी अल्लाह पाक ने फरमाया नूह अलैहिस्सलाम ने आवाज दिती कि आ जा मेरे बेटे मेरे नाल कश्ती विच बह जा ते बेटा गों की आंदा है सआवी एला जबालिन या से मुनी मैं नाल मा कहिंदा मैं पहाड़ ते चढ़ जावांगा ते पहाड़ मैनूं पानी कोलों बचा लेगा की कहिंदा पहाड़ मैनू पानी कोलों कौन बचाएगा इला जबालिन या सेमोनी में नल मा मैं पहाड़ ते चढ़ जावांगा मैनू पानी कोलों पहाड़ बचा लेगा मुशरक दा एतमाद हमेशा असबाब